के अंदर जो कीटाणु वगैरह रहते हैं उसको मारने के लिए। यूवी ट्रीटमेंट के बाद ये मेन जो ट्रीटेड वाटर पंपिंग है इसमें अभी चल रहा है, होना है। हाँ हाँ चल रहा है बिल्कुल भी। अच्छा काशी नगर में घर है ना आपका? हाँ काशी नगर में 18 नंबर दर्द रही है। अच्छा जो एसटीपी है हमारा 120 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और इससे लगभग बर्णा पार का सभी एरिया जो अभी जुड़ चुका है और आने वाले समय में जोड़ा जाएगा पूरा बर्णा पार। और इसमें थोड़ा सा तरना का एरिया छूट रहा है जो कि रेलवे क्रॉसिंग के राइट साइड वाला एरिया है, उसके लिए भी अलग से DPR वगैरह बनाया गया है और आने वाले समय में हो सकता है 1.5 साल के अंदर उस एरिया को भी इसमें जोड़ा जाएगा और बाकी बर्णा पार का लगभग सभी एरिया इसमें जुड़ जाएगा। कितना कैपेसिटी के दोनों, जो अगर हम बात करें दीनापुर रुझान, तो दोनों STP की क्या कैपेसिटी है? दीनापुर की कैपेसिटी 140 MLD है और गोईठा STP जो हमारा STP है इसका 120 MLD है कैपेसिटी है। 260 MLD का अगर STP शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा तो हाँ। शहर का जो सैनिटेशन है सीवेज जो सिस्टम है जी, इसको कितना मदद मिलेगा? अभी जो रिसेंटली जो बनारस में जहाँ तक हमको जानकारी है जो 3 STP से बनारस का ऑलमोस्ट सीवरेज का ट्रीटमेंट का काम हो जाएगा। एक जो रमना में 60 MLD बन रहा है, गोईठा 120 और दीनापुर 140, ऑलरेडी एक भगवानपुर में रनिंग है 8 MLD का, तो अभी तो रिसेंटली ये इससे सफिशेंट है बनारस के लिए। और जैसे कि पुराने शहर का जो आएगा सीवर वो तो दीनापुर जाएगा, वहाँ से ट्रीटेड होकर रिवर में जाएगा डायरेक्ट एफ्लुएंट। और उसके बाद ये जो है गोईठा ये टोटल बर्णा पार के लिए डिजाइन किया गया है फुल्ली कैपेसिटी आने वाले समय के लिए। यहाँ का जो सीवेज कहा जाएगा ट्रीट होके कहा? ये जो शारदा सहायक कैनाल है तो उसमें इसका डाला जाएगा पानी, जो कि पानी ट्रीटेड होने के बाद और उसको एरीगेशन पर्पज से किसान के द्वारा यूज किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि तीन गंगा की बात सरकार कर रही है जी, तो तीन गंगा का जो उद्देश्य है सरकार हाँ। का उसमें STP ये जो तीनों STP हाँ। आपने जिक्र किया कितना सहायक होंगे ये तीनों STP? हमारे हिसाब से पूरे बनारस का जो भी विषय जो रिवर में डायरेक्ट नाली और नालों के थ्रू होता हुआ जा रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, जाएगा भी नहीं, दोनों चीज़ें इसमें क्योंकि इतना कैपेसिटी के हिसाब से ये तीनों प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं कि इन फ्यूचर कोई भी वेस्ट, इवन घर का भी निकला हुआ वेस्ट और बरसात का पानी, उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, वो नहीं जाएगा। क्लीन गंगा के लिए बहुत प्लस पॉइंट है? नहीं, ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और जिस हिसाब से छोटे छोटे एरियों को भी टेकअप किया गया है और इवन घर से, जो कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि घर से एंड कनेक्शन करके उसको डायरेक्ट सीवर के लाइन से मिलाते हुए STP तक लाया जाए और उसी के लिए हाउस कनेक्शन वगैरह का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गंगा साफ हो जाएंगे, क्या लगता है भाई? वो जो कह दें वो सब मानना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी है कि वो जो कहें उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, अगर थोड़ा भी आपने अपने मन की बात कहनी चाहिए तो आपके ऊपर भवें तन जाती हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि अगर STP का उद्घाटन कर दें तो गंगा साफ हो जाएगी, तो ये तो बहुत कम कह रहे हैं। वो तो यहाँ तक ताकत रखते हैं कि कह दें कि STP का बनारस में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और पूरे देश की नदियाँ सब साफ हो जाएंगी, ये भी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। अतिशयोक्ति नाम का जो अलंकार था वो बहुत छोटा हो गया जब से ये प्रधानमंत्री बोलने लगा था। संत समाज इस पे क्या कह रहा है? संत समाज अविरल निर्मल गंगा में गोता लगाना चाहता है, अविरल निर्मल गंगा का जल बोतल का पानी थोड़े संत समाज पीना चाहता है या सभ्य समाज पीना चाहता है। हम तो गंगा के जल को इतना स्वच्छ निर्मल हो, हिमालय से बहकर आए, औषधीय गुणों से मिश्रित हो, परम भाव से भावित हो, उसको अंजलि से उठा करके पी लें, हम तो ये चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि उसमें गोता लगा करके अपने आप को धन्य बना लें, तो हम ऐसी गंगा की धारा चाहते हैं। ये गंगा को धारा तो मानते नहीं हैं, ये तो जितना भी काम कर रहे हैं सब किनारे पर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारा प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री के चट्टे बट्टों से है कि ये बताएं कि गंगा क्या है, किनारा गंगा है कि धारा गंगा है, और धारा के लिए क्या किया इन्होंने? किनारा तो बहुत कुछ कर रहे हैं।